टाउनशिप स्थित स्वर्ण जयंती अस्पताल में डॉक्टरों का एक समूह अपने ही अस्पताल के खिलाफ हो गया है। डॉक्टरों का आरोप है कि अस्पताल की कार्यदायी संस्था मानव जन कल्याण समिति द्वारा बिना कारण नोटिस दिए उन्हें पद से हटा दिया गया है और कहा गया है कि नई शर्तों के साथ आपको पदभार ग्रहण करने का ऑफर दिया जाएगा। इसी को लेकर डॉक्टरों के एक दल ने IOCL से अपनी मांगों को लेकर शिकायत की। आपको बता दें कि स्वर्ण जयंती अस्पताल जो कि कानपुर की एक संस्था मानव जन कल्याण समिति द्वारा संचालित किया जा रहा है, पिछले एक वर्ष 1 अगस्त को IOCL की तरफ से संस्था को अस्पताल की जिम्मेदारी दी गई, जिसके चलते अब कार्यदायी संस्था डॉक्टरों की छटनी कर रही है। हड्डी रोग विशेषज्ञ आदित्य शर्मा और अन्य 6 डॉक्टरों ने कार्यदायी संस्था पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें बिना कारण नोटिस दिए पद से हटा दिया गया और बाकी 6 डॉक्टरों को नई शर्तों के साथ पदभार ग्रहण करने के लिए ऑफर लेटर दिया जाएगा, जिसमें बताया जाएगा कि अगर ये शर्तें आपको मंजूर नहीं हैं, तो आपको पद पर नहीं रखा जाएगा। इससे साफ जाहिर है कि वेतन पहले की तुलना में बहुत ही कम होगा, वहीं जिसमें तमाम शर्तें भी जुड़ी होंगी। वहीं डॉक्टर आदेश शर्मा ने आरोप लगाते हुए बताया कि जिस दिन उन्हें पद से बर्खास्त किया गया, उसी दिन उनके चैम्बर का ताला तोड़कर अस्पताल ने अपने ताले से चैम्बर लॉक कर दिया और बोला गया कि आपको अगले दिन अस्पताल नहीं आना है। कार्यदायी संस्था की तानाशाही रवैया को लेकर डॉक्टरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बताया कि सभी डॉक्टर हड़ताल पर हैं, जिसके चलते मरीजों को परेशानी भी हो रही है। इसी परेशानी को देखते हुए उन्होंने अपने मरीजों को बाहर देखना तय किया है। सभी डॉक्टर मरीजों की परेशानियों को OPD के माध्यम से देख रहे हैं। उन्होंने कार्यदायी संस्था पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनका ये तानाशाह रवैया वे नहीं सहेंगे। वे 15 साल से इस अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन्हें बिना कारण नोटिस दिए निकाला जा रहा है। इसके बाद नई शर्तों के साथ पदभार ग्रहण करने का ऑफर दिया जा रहा है, जो उन्हें मंजूर नहीं है। आपको बता दें कि IOCL, जिसका स्वर्ण जयंती अस्पताल है, इसने मानव जन कल्याण समिति संस्था को अस्पताल की जिम्मेदारी दी है। संस्था ने पिछले वर्ष की तुलना में इस बार 43% लेस पर टेंडर दिया है, जिसके चलते अब अस्पताल के खर्चे कम कर वेतन में कटौती और स्टाफ की छटनी कर घाटे की भरपाई की योजना बनाई जा रही है। इन सभी मामलों को लेकर डॉक्टरों के एक समूह ने IOCL के सामने अपनी मांगे रखी और कहा कि उन्हें पुरानी प्रक्रिया के तहत पदभार मिले, सभी को समय से सैलरी मिले, उन्हें नई शर्तों के साथ ऑफर स्वीकार नहीं है। डॉक्टर, पिछले 10-11 दिन से लगातार यहाँ असमंजस की और रस्साकशी चल रही है डॉक्टर और प्रबंधन के बीच, पूरा मामला क्या है? यहाँ पे 10-12 दिन पहले की बात है कि मेरे अस्पताल मेरे चैम्बर के बाहर मेरे को एक दिन शनिवार के दिन जब मैं OT से आया था बाहर, तो मेरे को ये बताया गया कि आपको इमीडिएटली टर्मिनेट कर दिया गया है। मैंने पूछा था कि मेरे को कारण बताओ, नोटिस बताइए, कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मांगिए, लेकिन उन्होंने वो कुछ नहीं दिया और मेरे से बोला कि आप मंडे से मत आइए, आपकी जगह पे हम दूसरे डॉक्टर को हमने नियुक्त कर लिया है और वो आएंगे। उसके बाद उसी दिन मेरे कमरे का ताला तोड़ दिया गया और कमरे का ताला तोड़ के मैनेजमेंट ने अपना ताला जड़ दिया ताकि कि मैं उस चैम्बर में नहीं घुस पाऊँ। इस चीज़ का विरोध करने के लिए हम सब बाकी डॉक्टर चिकित्सक जो हैं मेरे साथियों ने भी इसके लिए बात की, लेकिन उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि पेशेंटों को भी असुविधा ना हो और हम लोग अपना प्रोटेस्ट भी कर पाएँ, तो इसीलिए हमने ओपन OPD चालू कर दी और यहाँ पे ही मरीजों को हम देख रहे हैं और उनको चिकित्सा सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं जी। तो रीज़न इनका क्या रहा? इन्होंने इनके कोई बहुत सॉलिड रीज़न नहीं है, बिना किसी कारण के इन्होंने एक बहुत ही बेतुकाना एक आरोप लगा के कि एक बिल मिला है इनको, जिस बिल के अंदर एक हॉस्पिटल का नाम बस गलत लिखा हुआ है, पेशेंट के नाम का एक बिल था जिस बिल के अंदर गलती से जो वेंडर है उसने हॉस्पिटल सर्जेंटी के नाम के बदले में गलती से मेरा निजी अस्पताल का नाम लिख दिया था। ये उससे क्योंकि बिल इसीलिए हुआ था क्योंकि 27 लगभग एक महीने बाद उसने बिल इशू करवाया था पेशेंट ने, एक महीने बाद ये ह्यूमन एरर हो सकती है, क्लरिकल एरर हो सकती है, जिसके अंदर कि उसने गलती से क्योंकि वो मेरे को बिल वहाँ मेरे अस्पताल में भी प्रोवाइड करता है इम्प्लांट्स का और यहाँ भी प्रोवाइड करता है, तो उसने गलती से नाम के साथ साथ अस्पताल का नाम गलत लिख दिया था। इस पर ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि नहीं, ये तो डॉक्टर साहब ने कब इम्प्लांट था और ये यहाँ पे क्या कहते हैं प्रोवाइड कर रहे हैं और इन्हीं का बनाया हुआ बिल है, जबकि ऐसा इस बात में कोई सत्य नहीं है और ये बातें मैंने इनको बताई थी लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। हॉस्पिटल जो है वो कौन सी संस्था के टेक ओवर है और जो आपकी मांगे हैं वो क्या हैं?
हमारी मांगे, ये संस्था जो है मानव जन कल्याण समिति है, ये कानपुर की एक संस्था है जिसने अगस्त 1st अगस्त टेक ओवर किया और इस अस्पताल को देख रही है। और हमारी मांगे यही हैं कि हमारी जो जायज़ बातें हैं, जो हमारी जो रीजनिंग है, हमारे जो पॉइंट्स हैं, उनकी सुनवाई हो। और हमें लास्ट 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, हमारे बाकी स्टाफ को 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, जो तनख्वाह ड्यू होती है और जो कि IOCL की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोगों के खाते में समय समय पर तनख्वाह आए। तो हम IOCL से भी बोलते हैं, क्योंकि हम मानव जन कल्याण वाले तो हमारी बातें सुनते नहीं हैं। इवन आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए हैं लोग बाग, उनकी भी कोई डेजिग्नेशन नहीं है, कौन डायरेक्टर है, कौन HR है, कौन एडमिनिस्ट्रेटर है, ये किसी का कोई क्लियर नहीं है। अटेंडेंस रजिस्टर पे भी किसी का भी नाम नहीं है। इवन जो अटेंडेंस रजिस्टर जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के नीचे नाम लिखे होते हैं वो वैकेंट्स है, ना वहाँ पे कोई अटेंडेंस होती है। अच्छा, एक ही अटेंडेंस रजिस्टर पे सब डॉक्टर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ के स्टाफ, नर्स और वार्ड बॉयज सबके वो होते हैं, लेकिन उनके नाम की जगह खाली है। तो हमें ये भी नहीं मालूम है कौन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है और हम किससे गुहार करें, क्योंकि यहाँ पे कोई सच कोई पदाधिकारी, चिन्हित पदाधिकारी कोई हमें नहीं दिखता। अच्छा, वैसे HR और डायरेक्टर पद के लिए एक एक पदवी होती है, एक एजुकेशन होती है, तो क्या वो एजुकेशन सभी लोगों को है? देखिए, ये पर्सनल हम लोगों को ज़्यादा जानते नहीं हैं। ये चीज़ तो IOCL को इंश्योर करनी पड़ेगी कि यहाँ पे जो लोग एज ए पदाधिकारी काम कर रहे हैं वो इस लायक हों कि वो इन पदों को संभाल सकें, ताकि, क्योंकि IOCL के लोगों को ही इन लोगों से डील करना है, मैनेजमेंट से, और उनको बातें करनी है। तो IOCL भी नहीं चाहेगा कि ऐसा यहाँ पे पदाधिकारी हों जो कि उनसे बात करने भी लायक नहीं हो। आज आपकी मीटिंग हुई है, ED भी बैठे थे मीटिंग में और जनसेवा समिति के लोग भी थे, क्या कुछ निर्णय रहा, क्या कुछ निकला? देखिए, हमने यही सब बातें जो आपसे कही हैं यही हमने वहाँ उस मीटिंग में भी बातें उठाई थी, सैलरी की, अब एक डॉक्टर की डिग्निटी की बात, कि आप ताला लगा दें और बिना किसी बात के उसको बाहर कर दें विदाउट एनी प्रॉपर रीजनिंग और नोटिस, और उसकी इवन मेरी ड्यूज भी क्लियर नहीं हुए। तो हमने यही बातें उनसे कही थी, प्लस हमने ये भी बोला था कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है, कोई प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है जिसको कि हम कह पाएँ या फिर उनसे बात कर पाएँ। तो इस बारे में IOCL वालों ने बोला है कि वो जल्दी ही, शीघ्र ही इस बारे में जो भी प्रयास करेंगे और सबको रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों की क्या मांग है? हम लोगों की मांग यही है कि हमें समय समय पर, जैसे हमेशा से होता रहा है, हमें सैलरीज मिलती रही हैं, वो समय पर मिलें। और जो लोग इनके मानव जन कल्याण का असल में एक उद्देश्य ये भी है, क्योंकि इन्होंने टेंडर जो लिया है ये एक कम राशि पे लिया है, 43% लेस पे जैसा कि मालूम है, तो उसके अंदर उनका उद्देश्य ये भी है कि अपने खर्चे कम करने के लिए, तो खर्चे कम करने के हिसाब से यहाँ के छटनी करना चाहते हैं और तनख्वाह में भी कटौती करना चाहते हैं। तो ये चीज़ें हमने IOCL से बोली हैं कि कैसा कभी होता नहीं है, क्योंकि अगर कहीं भी बात होती है तो वेज इंक्रीमेंट की बात होती है, ये जमाने गए कि अब आप वेजेस कम कर रहे हैं लेबर की। तो हमने यही बात की है कि आप, क्योंकि यहाँ पे काम करने वाले लोग 20-20 साल से काम कर रहे हैं, अब आप उनकी वेजेस कम करके, एक तो एक तरीके से डिक्टेटरशिप हो जाएगी कि आपके हाथ में पावर है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो लीगल हो चाहे वो इलीगल हो। तो वही चीज़ हमने IOCL से बोली है कि आप हमारे हितों की रक्षा करें और हमारी सुनवाई और कोई नहीं कर सकता, बस आप ही हमारे अंदर आता है और आप ही हमारी मदद करें। तो कुछ